जिलाधिकारी मुंगेर के निर्देश पर गुरुवार को अनुमंडल पदाधिकारी तारापुर राकेश रंजन कुमार संग्रामपुर प्रखंड के रामपुर पंचायत अंतर्गत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संग्रामपुर एवं अन्य योजनाओं का स्थल निरीक्षण किया, जिसमें अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने पर तारापुर एसडीओ श्री रंजन ने किसी भी चिकित्सक को ड्रेस में नहीं देख पूछा कि यहाँ कौन डॉक्टर है, तो एक चिकित्सक कुर्सी पर बैठे कान में एयरफोन और मोबाइल हाथ में लिए कहता है कि आप कौन है। इतने में मुखिया प्रतिनिधि संतोष कुमार राय पीछे से बोल देता है कि एसडीओ साहब है, और डॉक्टर कुर्सी छोड़ उठ खड़े होते हैं। इसके बाद चिकित्सक ने एसडीओ को कुर्सी पर बैठने का आग्रह किया। एसडीओ ने बारीकी से एक एक रजिस्टर देखा, कौन कौन ड्यूटी में है कौन नहीं है देखते हुए चिकित्सकों को फटकार लगाया, कहा कि चिकित्सक और एएनएम को हमेशा ड्रेस में रहना चाहिए, जिससे लोगों को पता चले ये डॉक्टर और एएनएम यहाँ के हैं। उन्होंने कहा कि रामपुर का पीएचसी भवन बनकर तैयार है, संवेदन द्वारा हैनडम्बर नहीं किया गया है, इसके लिए जिलाधिकारी से चर्चा करेंगे। वहीं एसडीओ ने नलजल योजना, पीडीएस, विद्यालय आदि की जांच की, जिसमें नलजल योजना से संतुष्ट हुए, जबकि विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापक को जनगणना कार्य में रहने एवं विद्यालय में नहीं रहने से जांच नहीं हो पाया, पीडीएस की भी जांच की गई। वहीं एसडीओ राकेश रंजन कुमार ने बताया कि सरकार के साथ निश्चय योजना के तहत हर घर पानी तो जा रहा है, परंतु कुछ योजनाएं में कमी है, उसे जल्द ही कमी को दूर करने का आश्वासन दिया गया। सारे मशीन को फोल्ट मारने की बात नहीं है, आज हम लोग संग्रामपुर प्रखंड में जो है जिला पदाधिकारी के निर्देश से हम लोग इंस्पेक्शन करने आए हैं, जिसमें विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण किया गया है, कहीं कहीं पर काम कमियां भी मिली है, उसको जो संबंधित पदाधिकारी हैं और कर्मी हैं उनको निर्देशित किया गया है। बाकी एक यहाँ पर एक अब जहाँ पर अभी आप खड़े हैं वहाँ पर देखिएगा एक हॉस्पिटल है, इसका एपीएससी बना हुआ बिल्डिंग है, लेकिन अभी तक हस्तांतरण नहीं हुआ। इसके लिए पूर्व में जिला डीएम सर के स्तर से भी संवेदक को बताया गया, हम लोग फिर से डीएम सर को बताएंगे कि सर अभी तक अभी हैंडओवर नहीं हुआ, ताकि एक हॉस्पिटल जो इन लोगों का प्रॉपर बना हुआ है वहाँ पर वो लोग शिफ्ट हो सकें। बाकी नलजल में भी यहाँ स्थिति अच्छा बताया गया, ग्रामीणों द्वारा इस तरीके का शिकायत नहीं है कि पेयजल नहीं है, बाकी कहीं कहीं पर लूपहोल्स है उसमें, उसको जो भी टीए है उसको बताया गया है। बाकी अभी पीडीएस डीलर तो यहाँ हम लोग जा रहे हैं, वहाँ चेक करेंगे। स्कूल में प्रधानाध्यापक नहीं रहने के कारण उसे राशि संबंधी जो भी मैटर था उसका इंस्पेक्शन हम लोग नहीं कर पाए, ठीक है। मनरेगा योजना सभी एक योजना भी देखे हैं, लेकिन उसमें अभी राशि का निकासी नहीं हुआ, इसलिए उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। ड्रेस दिया गया नहीं, उनको ड्रेस में रहना है, पूर्व में भी उनको निर्देशित किया गया है और आगे अगर उनको रहना है, क्योंकि विभागीय गाइडलाइंस भी है और उनको रहना भी है, ताकि वो चिन्हित कर सके, लोग भी पहचान सके कि क्या है, ठीक है। आगे अगर सुधार नहीं होगा तो फिर आगे कार्रवाई होगा उनका, ठीक है। पूर्व में डीएम सर भी उनको निर्देशित किया।